हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर वंदना मालविया और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक फिगर काउंटिंग। किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इस टॉपिक में, ये हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखें, आप एक फिगर दिया हुआ है और आपको ये पूछा गया है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर तीन छोटे ट्रायंगल और बने हुए हैं और आपको ये पूछा गया है कि इस फिगर में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। इस टाइप के फिगर के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है आप देखें। आप अगर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर साइड की जब हम बात कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर साइड को ले सकते हैं, उसमें आप देखेंगे तो तीन ट्रायंगल आपको यहाँ नजर आएंगे, 1, 2 और 3। ऐसी अगर इस साइड पे भी बात करें, 1, 2, 3, सेम इस साइड के लिए भी 1, 2, 3। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज आने वाला है और इस फॉर्मूले में जो ये एन है वो एन हमारे पास कितना है, 3। क्यों है एन की वैल्यू 3, आपको बताया मैंने, किसी भी एक साइड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे। 1, 2, 3 ट्राइंगल्स मीन्स वैल्यू ऑफ एन इज 3। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला और एन इक्वल टू 3 आप यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखें फॉर्मूले में -1 भी है, ये जो भी रिजल्ट आने वाला है उसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आप देखें कितना आ रहा है, 1/8, 3 × 5 × 7 दैट इज 105। 104 डिवाइड बाई 8 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 13। क्लियर है? तो फॉर्मूला आपको याद रखना है और फॉर्मूले को यूज लेना कब है ये मैंने बता दिया आपको, कि फिगर में आपको देखना है कि अगर ट्राइंगल n इक्वल टू 3, 3 मीन्स आप ऐसे भी ध्यान रखें कि नंबर ऑड है, ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला यूज में आता है। क्लियर है? और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में और जो हमने अभी डिस्कस किया था एग्जांपल, उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप बात करें तो किसी भी साइड के लिए बात कर लेंगे, तो ट्रायंगल्स कितने मिल रहे हैं आपको, 4 ट्रायंगल्स ऐसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एन की वैल्यू कितनी है, 4। तो जब भी नंबर इवन होता है तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। और फॉर्मूले में क्या चेंज किया हुआ है अगर आप ध्यान देंगे तो n n प्लस 2, 2n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट नहीं किया है कुछ भी। फॉर्मूला क्या है, 1/8 n n प्लस 2, 2n प्लस 1। तो ये ध्यान रखना है आपको, n की वैल्यू इवन फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू 4 पुट करनी है। अगेन बाय कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द रिजल्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर इज 27। क्लियर है? तो n ऑड और इवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, लेकिन फॉर्मूले की कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल होती है, बहुत जल्दी से रिजल्ट आ जाता है। तो इस टाइप के फिगर के लिए आप फॉर्मूलाज को याद रखें। अदरवाइज आप देखें कि एक एक ट्राइंगल, जैसे यहाँ 16 तक तो मैंने मार्क किया, फिर आपको क्या करना है, ये भी ट्राइंगल, इसमें ये भी ट्राइंगल, फिर आप ऐसे और ट्राइंगल, ये बड़ा, ये भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ऐसे तो आप काउंटिंग करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाएगा। तो ऐसे आपको काउंटिंग नहीं करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसे काउंटिंग में कितनी बार मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, आंसर हमारा सही नहीं आ पाता है। तो बेटर है आप फॉर्मूला लर्न करें और फॉर्मूले को यूज देंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया, जहाँ पर n की वैल्यू इवन है, उसके लिए एक और तरीका है और वो तरीका और शॉर्ट मेथड है। तो आप देखें सेकंड मेथड, जब n की वैल्यू इवन है या ऑड है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करना है आप देखो। n की वैल्यू लास्ट एग्जाम्पल को देख रहे हैं हम, 1, 2, 3, 4, n की वैल्यू
फोर। लेकिन अगर इसी चीज को हम बात करें कि यहाँ पे कट्स कितने हैं, एक साइड पे कट की बात करें तो कट है 1, 2, 3, 3 कट है। तो नंबर ऑफ कट ऑन वन साइड इज 3। अब आपको क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर करना है, 3 स्क्वायर 9। और तीनों साइड पर ऐसे ही कट है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। कट का मतलब समझ रहे हैं आप, ट्राइंगल नहीं काउंट कर रहे हैं हम कट देख रहे हैं कि कितने, 4 ट्राइंगल है इसका मतलब कट कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो तीनों साइड के लिए अगर इस 9 को ऐड करें तो यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 9 आपके पास कितना आ जाएगा, 27। फिर से बता रही हूँ मैं, ध्यान देना आप, नंबर ऑफ कट्स देखना है आपको, 1, 2, 3, 3 का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके जो भी नंबर आ रहा है सेम अदर साइड के लिए, इसके लिए भी 9 हो जाएगा, इस साइड के लिए भी 9 हो जाएगा। तो 9 3 27, क्लियर है। तो ये भी तरीका है, इसको भी आप ध्यान रखें। आप लास्ट फॉर्मूले से करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आ रहा था, आपने देखा था तब भी हमारे पास कितना आ रहा था, 27। और यहाँ पर हमने ये अदर मेथड यूज़ किया, ट्राइंगल का नंबर तो सेम ही आना है, यहाँ भी आ रहा है आपके पास 27। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, इसको देखना आप, फिगर देखें आप। इस फिगर में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप देखें, ऐसे क्वेश्चन जब इंडिविजुअल एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, उसमें पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप नंबरिंग कर दें, जैसे यहाँ नंबरिंग की हुई है 1, 2, और फिर हम क्या करते हैं 1 प्लस 2, 3। ध्यान से समझना इसको, इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 3। मेथड आपको बताया था। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो तब हमें क्या करना होता है, नंबरिंग कर लिया आपने स्मॉल पार्ट्स में 6, और आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ये भी कि स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ तक तो ठीक है, एक ट्राइंगल है 3 आ गया, एक स्क्वायर है आपके पास 12 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो इस ट्राइंगल और स्क्वायर इस लाइन से अटैच्ड है, और इस पॉइंट से स्क्वायर के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन किया हुआ है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब कि ये ट्राइंगल और स्क्वायर जब अटैच्ड है तो आपके पास एक ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये नीचे से ये वाला ट्राइंगल, ये दो और एक्स्ट्रा आएंगे, आएंगे ना। एक तो हमने इस ट्राइंगल की बात कर ली यहां से 3, एक हमने स्क्वायर की बात कर ली यहां से 12। फिर अगर ये दोनों अटैच्ड हैं तो एक ये और ये दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल और होंगे, ये भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। उस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जॉइंट जो होता है वो हमें दो एक्स्ट्रा ट्राइंगल और देता है। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 3 प्लस 12 प्लस 2। ये बहुत अच्छे मेथड और तरीके यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ मैं, आप ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत मज़ा भी आएगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इस फिगर में देखें आप, इसमें और लास्ट वाले में डिफरेंस क्या है। यहां भी एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे, 3। स्क्वायर है यहां पर भी सेम, तो यहां भी स्क्वायर से कितने ट्राइंगल मिलेंगे, 12। लेकिन यहां जो एक अलग बात है कि इस पार्ट को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। ज्वाइन नहीं करने से हुआ क्या कि आपको ये ट्राइंगल और स्क्वायर अटैच्ड होते हुए भी कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं मिलेगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, लेकिन यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको अलग से 3 ट्राइंगल दे रहा है और स्क्वायर आपको 12 ट्राइंगल्स दे देगा
और इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 + 12 = 15। क्लियर है? तो ट्राइंगल्स काउंटिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, इस वीडियो में भी डिस्कस किए। इतने फिगर्स से अलग कुछ आता नहीं है, इसी टाइप के फिगर को कंबाइन करके आपको दे देते हैं। तो आप फॉर्मूलाज ध्यान रखें, सारी ट्रिक्स ध्यान रखें, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से सही से अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।